हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स आप सब? फ्रेंड्स, मैं इवनिंग से जो व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, एक्चुअल में मैं आज आप लोगों से चिकन पिज्ज़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज डिनर में मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पिज्ज़ा, तो आप लोगों से उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ठीक है, सबसे आप लोगों से जो बेस की रेसिपी शेयर करूँगी, तो चलो मैं अभी चल रही हूँ किचन में, तो आप लोगों से उसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें ले रही हूँ मैं आप लोगों से बताती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग सोचते रहेंगे इतना रेडी बैठी ओके मैं कहाँ जा रही हूँ, तो कहीं जा नहीं रही हूँ। एक्चुअली में मैंने आफ्टरनून में जो मेकअप की वीडियो शूट की थी, तो उसी का ये मेकअप है, तो रिमूव नहीं कर रही हूँ। सोची पहले डिनर बना लूंगी, फिर उसके बाद रिमूव करती हूँ। तो चलिए अभी जल्दी से जाती किचन में, क्योंकि एक्चुअल में जो 6 o'clock होने आ गया है, और पिज्जा के बेस को जो डो जो रहता है उसका, उसको राइज होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, एटलीस्ट 45 मिनट्स चाहिए होता है। राइस जो मैदा ली हूँ, मेजरिंग कप जो आता है उसके हिसाब से, ठीक है, तो ये 4 कप्स है फ्रेंड्स। अभी ये जो इसमें 3.5 टीस्पून जो इंस्टेंट ईस्ट ऐड कर रही हूँ, ठीक है, डो को गूंदने के लिए 4 कप्स मैदे के हिसाब से ईस्ट ऐड कर रही हूँ। ये 3 टीस्पून हो गया, 3.5 टीस्पून, ओके। और ये वार्म वाटर ऐड कर रही हूँ, ये इतना गर्म करना है पानी कि इजीली जो फिंगर चली जाए, तो उतना करना है, वरना अगर ज्यादा गर्म करेंगे तो इस जो राइस नहीं होगा वो मर जाएगा, ओके। तो ये ऐड कर, इसकी क्वांटिटी जो 1 कप ली मेजरिंग कप, तो ये ऐड करूँ। अब ये ईस्ट में जो शुगर ऐड करूंगी, तो 3 टीस्पून जो इसमें शुगर जाएगी, ठीक है। शुगर हेल्प करती है ईस्ट को जो एक्टिवेट होने, इसको एक बार अच्छे से और मिक्स कर लूंगी और फिर इसको मैदे में ऐड कर दूंगी। फ्रेंड्स, अभी मैदे में 1 टीस्पून लेवल जो है वो सॉल्ट ऐड करूंगी, ठीक है। सॉल्ट इससे ज्यादा नहीं ऐड करना, ये इतना इनफ हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये आप लोग देख सकते हो 5 मिनट्स के बाद जो है वो ईस्ट अच्छे से राइज हो गया है। ये आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देखो, पहले कैसा था और अब कैसा है। ये जब एक्टिवेट हो जाएगा तभी मैदे में ऐड करना है, ठीक है, वरना राइस नहीं होगा तो पिज्ज़ा जो है डिलीशियस नहीं बनेगा, वरना वो मतलब नहीं होगा फिर, ओके। तो इस टाइप में पहले बाउल में ऐड करके फिर उसमें ऐड करना है। अब ये मैं मैदे में ऐड करूंगी, ओके। और इसका सॉफ्ट सा जो डो प्रिपेयर करना है, अब इसमें ऑयल ऐड करना है, तो 3 टीस्पून जो ऑयल ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, इसको जितना नीड करेंगे उतना वो अच्छा डो प्रिपेयर होगा। ये अभी आप लोगों को पतला लगता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे नीड करूंगी वैसे वैसे वो प्रॉपर कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अब इसको जो राइज होने छोड़ दूंगी एटलीस्ट 45 मिनट्स तक। पिज्जा की कोटिंग के लिए मैंने ब्लैक ऑलिव्स ली हूँ, ग्रीन कैप्सिकम को इस तरीके से स्लाइस की हूँ लंबा लंबा, और ये कॉर्न्स को जो है टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट डाल के बॉईल की थी। टॉपिंग, अब चिकन की टॉपिंग प्रिपेयर करनी है, तो चिकन किस तरीके से मैं प्रिपेयर करती हूँ आप लोगों से शेयर करती हूँ, ठीक है। चलिए अभी इसको पहले साइड में रख दे और फिर चिकन की टॉपिंग की तरफ मूव करते हैं। फ्रेंड्स, अभी ये चिकन की टॉपिंग के लिए मैरिनेशन कर रही हूँ मैं। ये 1/2 kg बोनलेस चिकन ली हूँ, इसमें भी 1/2 टीस्पून जो चिकन मसाला ऐड करी, 1/2 टीस्पून से हल्का ज्यादा, ठीक है। 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, सफेद मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून से हल्का ज्यादा ऑरिगेनो, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, ये 1/2 lemon ली, उसे हल्का कम मतलब इसको स्क्वीज करूंगी, ये पूरा नहीं लूंगी वरना ज्यादा ही सॉर हो जाएगा, ठीक है, इतना इनफ है। अब इसमें गार्लिक का पेस्ट ऐड करूंगी 1 टीस्पून फुल, जिंजर का पेस्ट 1/2 टीस्पून लेवल, ज्यादा नहीं लेना, ठीक है, वरना कड़वा हो जाएगा। और 1 टीस्पून ऑयल ऐड करूंगी,
ताकि मसाले की कोटिंग जो चिकन के ऊपर अच्छी सी आ जाए। ठीक है, फ्रेंड्स थोड़ा हल्का सा कलर आने के लिए चिकन 65 मसाला ऐड कर रही हूँ, ताकि 1/4 टीस्पून ऑप्शनल है, ऐड करना चाहो तो कर सकते हो वरना नहीं। जो तंदूरी टच देने के लिए चिकन तंदूरी मसाला, ये भी 1/2 टीस्पून, इसको स्किप मत करना। चिकन 65 स्किप करेंगे चलेगा, लेकिन इसको स्किप मत करना। चलिए भी इसको अच्छे से जो मैरिनेट होने छोड़ देते 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स के बाद आगे का स्टेप शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स ये आप लोग देख सकते हो डो जो अच्छे से राइज हो गया है, ये देखो उसमें स्पेस भी नहीं है उसको राइज होने के लिए। छोटे छोटे बॉल्स प्रिपेयर करूंगी, जितने साइज का पिज्जा चाहिए रहेगा उसके अकॉर्डिंग बॉल प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, हो चुके हैं। अब इसमें जो है हल्का सा और ऑयल ऐड करूंगी, उसको लो फ्लेम पे जो कुक करूंगी। एटलीस्ट 10 to 12 मिनट्स तक कुक करना है, जब तक ये चिकन जो है फुल्ली डन नहीं होता है। ठीक है, 15 मिनट से पहले ही कुक हो जाएगा कि बोनलेस चिकन है। तो टेंशन ना ले, ओवन काढ़िया लग गई अच्छी सेटिंग। फ्रेंड्स कल चिकन कुक होने के बाद एक्चुअल में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था पिज़्ज़ा को बेक होते हुए, तो मैं उसको कैसे टॉपिंग करी थी वो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला। तो जो वेजीज की टॉपिंग मैंने आपको बताई थी वो ऐड करी, चीज़ पिज़्ज़ा सॉस नीचे बेस में अप्लाई की थी, ये सब टॉपिंग ऐड करने से पहले। और आप टॉपिंग देख सकते हो कि मैंने क्या क्या ऐड करी हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बताऊंगी कभी आप लोगों से। ओके, एक बार जरूर ट्राई करो, ये पिज्जा बहुत डिलीशियस बना था, सबको बहुत पसंद आया घर में, जरूर ट्राई करना।